हेलो दोस्तों, मैं बिशन दत्त टिप्स ऑनली विन से। आज हम बात करेंगे दोस्तों पुणे रेस की। और 28 जुलाई की रेस है। पहली रेस 2 बजे है, आखिरी रेस 5 बजे है। टोटल 7 रेस हैं दोस्तों। टॉप हॉर्सेज ऑन फील्ड में बहुत घोड़े निकल के आ रहे हैं। और एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं यार। पहली रेस में आ जाते हैं, 1400 मीटर की रेस है और क्लास 5 की रेस है। फैशन आइकन अक्षय कुमार बैठा है यहाँ पे। और जो ये लास्ट रन है यार मुंबई का, अगर आप देखेंगे क्लास 5 में घोड़े को डाला था और 14 घोड़ों में छठा लगा था। और कुछ सूज का यार, एल्युमिनियम में जो भी मतलब जैसे भगाते हैं कुछ, यहाँ पे कुछ पेनल्टी भी लगी थी डी टूडी वाला जी को। और जो मैंने इंसिडेंट पढ़ा है उसके हिसाब से घोड़ा, लास्ट रन के हिसाब से घोड़ा बोर्ड में दिखना चाहिए। उम्मीद करते हैं, अच्छी फील्ड देखी हुई है घोड़े ने, अच्छे घोड़ों के साथ में भागा हुआ है। और 2 नंबर एस्वेर 2 बारी ट्रैक से स्लो निकला है, मतलब यह गेट से स्लो निकल रहा है। और उससे पहले एक बारी फैनम के साथ में गुड थर्ड लगा हुआ है। तो ऐसे अमित के नीचे यहाँ पे आप सरप्राइज देख सकते हैं इसको। और 3 नंबर 5 नंबर डफी, लास्ट टाइम इस घोड़े के साथ में यार ब्लैंकर TSEP ऑफ किए गए थे। देन उसके बाद इसका घोड़े का रन बहुत बढ़िया था और फ्रंट निकल के गुड सेकंड लगा था मिर्सेला के साथ में। और उम्मीद करते हैं वही जो लास्ट मतलब रन दिया था घोड़े ने, वही मेंटेन रख के चले, क्योंकि इक्विपमेंट चेंज हुए हैं। देन उसके बाद घोड़े ने परफॉर्म किया है। 6 नंबर माइटी विंग्स ट्रैक ठीक जा रहा है यार। और 7 नंबर वॉलेर अपसेट, ये भी 8 नंबर एडमास, इसका लास्ट रन का बेनिफिट बिल्कुल हो सकता है। SJ सुनील ने अभी घोड़े को भगाया था यार, जिस दिन पहला रन था मतलब सीजन का पहला दिन था, तो इस पे चांस बनता है। उम्मीद करते हैं यश नायडू के नीचे एक अच्छा रन हो। 10 नंबर कम बैक प्लीज कंटिन्यू, SG प्रसाद ही रन दे रहा है यार इस घोड़े को। 11 नंबर जकापा, ये भी मिर्सेला के साथ में भागा हुआ घोड़ा है। डैगर स्ट्राइक भी भागा हुआ है मिर्सेला के साथ में। एन भोसले से NS परमार बैठा दिया है इधर। 12 नंबर बिल्कुल सरप्राइज भी कर सकता है। और पिक लेके चलूंगा जैसा मैंने बताया। 5 नंबर डफी लास्ट टाइम के हिसाब से पी ट्रेवर। और 8 नंबर एडमास यस नेडू अभी लास्ट रन के बेनिफिट के हिसाब से। और आ जाते हैं दोस्तों सेकंड रेस में। सेकंड रेस 1800 मीटर क्लास 4 की है। और 2 नंबर सीधा सन, अभी बेंगलोर के रन का, दोनों रन का बेनिफिट बिल्कुल घोड़े को होना चाहिए। अभी गॉडफादर के साथ में गुड सेकंड लगा था। और फिर उसके बाद कॉर्ट्स में नोटी चामा के साथ में ब्लड वेजल का इशू हुआ और क्लास 4 भगा रहे हैं। उम्मीद करते हैं एक बेटर रन देखने को मिले। और 3 नंबर जेरूसलेम, ये घोड़ा यार उम्मीद करते हैं बोर्ड में रहे। लास्ट टाइम काफी पीछे रह गया था घोड़ा और इस बार हरिदास पूरे बैठा दिया। 3.5 किलो का वेट अलाउंस का बेनिफिट होना चाहिए। 4 नंबर हगी भी सरप्राइज कर सकता है। अल्फा डोमिनो लास्ट रन 2000 मीटर काफी पीछे से गैंगस्टर के साथ में 5वां लगा था। और उससे ऊपर के रन में घोड़े ने बहुत बढ़िया रन दिए थे यहाँ पे। ये घोड़ा यार बोर्ड में या ये जीत भी सकता है। 7 नंबर ट्रेसेंट ब्लड वेजल का इशू और वाइकिकी के साथ में गुड सेकंड, बहुत जबरदस्त रन था यार। और वाइकिकी आप सभी ने देखा है काफी अच्छी क्लास भाग रहा है, तो उसके हिसाब से घोड़ा बिल्कुल बनता है यार। और 8 नंबर चैट सरप्राइज किया था 2400 मीटर में NS परमार के नीचे, बिल्कुल दोबारा किमी को अपसेट। और एम्बर नाइट भी, ये घोड़ा भी एम नायडू जी का है, तो DR शुभम के नीचे गैंगस्टर के साथ में गुड थर्ड लगा हुआ है। और दोस्तों यहाँ पे जो मैं पिक लेके चलूंगा, 2 नंबर सीधा सन PS चौहान और 6 नंबर अल्फा डोमिनो नीरज रावल। थर्ड रेस में आ जाते हैं। 3 ईयर ओल्ड की रेस है, 1000 मीटर की रेस है यार। 2 नंबर लिवली मिस्टर ट्रैक वाइज थोड़ा सा ठीक दिख रहा है। SJ सुनील के नंबर, SJ सुनील के नीचे यहाँ पे सरप्राइज कर सकता है। 4 नंबर उगली ट्रुथ रन का बेनिफिट है यार, 4 रन ऑलरेडी घोड़े ने ले रखे हैं। और लास्ट रन में अच्छा रन था, गुड थर्ड लगा था वापस दाई के साथ में, तो नीरज रावल बैठा हुआ है। 5 नंबर अरमरी हैदराबाद से घोड़ा गया था और ऊटी में लास्ट रन अच्छा दिया था, 810 बार के नीचे क्लाउडी हिल्स के साथ में, ये घोड़ा भी यहाँ पे यार। और 8 नंबर
नंबर मिस अमेरिकन पाई ट्रैक वाइज ठीक जा रहा है, और बैंगलोर में भी घोड़े के ट्रैक हैं, और उम्मीद करते हैं एक बेटर रन देखने को मिले। यहाँ पे 11 नंबर निर्वाणा, दो मिस्टर पैसी के घोड़े हैं यहाँ पे यार, निर्वाणा और 12 नंबर रेसिंग रोमांस, तो इन दोनों में से घोड़ा। अब ये चीज़ें तो होती रहती है, बाकी निर्वाणा को 1 रन का बेनिफिट है आयरिस गोल्ड के साथ में, और 200 मीटर शॉर्ट जाना है, 11 नंबर का गेट है सिव में, इसके नीचे सरप्राइज, और 14 नंबर जाफिरा ये भी ठीक जा रहा है यार ट्रैक वाइज सी एस जोधा, 5 नंबर का गेट है, और 11,000 मीटर की रेस वैसे ही है, सरप्राइज कर सकता है फर्स्ट रन में। पिक लेके चलूंगा दोस्तों 9 नंबर मिस अमेरिकन पाई एनएस परमार, और 11 नंबर निर्वाणा सी उमेश। चौथी रेस में आ जाते हैं दोस्तों, 1200 मीटर क्लास टू की रेस है, 1 नंबर फॉर द लॉइन। हाँ 1600 मीटर बहुत बढ़िया विक्ट्री है अगर आप देखेंगे, 80 पैसे में, और लोअर वेट में क्लास टू भी जीता था 47.5 किलो में, और अच्छे घोड़ों को बीट किया हुआ है, नॉर्थन लाइट के साथ में गुड थर्ड लगा हुआ है, और फिर नॉर्थन लाइट के साथ में भागा था मुस्तकीम आलम, और यहाँ पे शॉर्टर डिस्टेंस जाना है, 2.5 किलो का वेट का एडवांटेज है, बिल्कुल दोबारा सरप्राइज कर सकता है शॉर्टर डिस्टेंस में बेबी बजू का, उम्मीद करते हैं यार बोर्ड में रहे घोड़ा। मैजिलेटो के साथ में चौथा हो गया था, और स्टार रोमांस दीपेश नायडू जी का अच्छा घोड़ा है ये, और नीरज रावल ने अच्छा राइड किया था, मैजिलेटो के साथ में गुड थर्ड लगा था, देखते हैं यश नायडू के नीचे कैसा रन देता है घोड़ा। 5 नंबर विंडम एयर, कुछ इक्विपमेंट चेंज हो रहे हैं, ऊटी से आ रहा है घोड़ा, और यहाँ पे ये सरप्राइज। 6 नंबर मैजिलेटो, विप लॉस, कुछ यहाँ पे टी एस जोधा के नीचे दिक्कत हुई थी, घोड़ा बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा था ऊपर के, अगर आप रन देखेंगे तो। यहाँ पे एनएस परमार के नीचे उम्मीद करते हैं घोड़ा यार दोबारा एक बेटर रन दे, और रफाइलो भी मैजिलेटो, मतलब मैजिलेटो ने ऑलमोस्ट अगर इस फील्ड में देखें मैक्सिमम घोड़ों को बीट किया हुआ है, 7 नंबर को भी बीट किया हुआ है, ठीक है, और सुपरलेटिव 13 नंबर स्विफ्ट अभी ये बैंगलोर भाग के आया घोड़ा एन भोसले के नीचे, उम्मीद ही कर सकते हैं, बाकी यार पैसे साहब के घोड़ों का कुछ पता नहीं होता कहाँ पे कौन सा घोड़ा परफॉर्म कर जाए, क्लास 4 वाला क्लास 2 जीत जाता है खैर, और स्विफ्ट का भी चांस बनता है, 13 नंबर है, और यहाँ पे जो मैं पिक लेके चलूंगा दोस्तों 1 नंबर क्वायदा लॉइन, जैसा मैंने बताया फील्ड अच्छी देखी हुई है घोड़े ने ये मुस्तकीम आलम के नीचे, और 6 नंबर मैजिलेटो एनएस परमार। 5वीं रेस में आ जाते हैं दोस्तों, 1400 मीटर क्लास 3 की रेस है, अरेबियन फॉनिक्स, 1400 मीटर का परफेक्ट घोड़ा है वैसे तो, और सरप्राइज आप पिक कर सकते हैं, और 4 नंबर है डेक्सा, अच्छी फिट देखी है घोड़े ने यार, बट लास्ट टाइम चार्ली ने सभी को अपसेट कर दिया था, सारे घोड़े अपसेट घुसे थे, और डेक्सा यहाँ पे कुछ इक्विपमेंट चेंज कर रहे हैं, इस बारी ब्लैंकर ऑन कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं घोड़ा बोर्ड में रहे। 5 नंबर इट्स माई टाइम साथ में भागा हुआ घोड़ा है यार, 165वीं रेस में अगर आप देखेंगे थर्ड लगा था वो चौथा लगा था, और लॉर्ड एंड मास्टर मिस्टर पैसी के पास था घोड़ा, चौहान के नीचे एक बार 7.5 साल लेंथों से बहुत बढ़िया जीता, उसके बाद 2 बारी फेवरेट होके पिटा है घोड़ा, और सहजान साजी के नीचे यहाँ पे अपसेट कर सकता है। सोजा मिस्टर पैसी जी का घोड़ा, गिन्सबर्ग, विली वोंका, विंसेंट वैन गॉग, ये घोड़े हैं यार, विंसेंट वैन गॉग अगर आप देखेंगे अपसेट कर सकता है ये घोड़ा, एक बार श्रीनाथ के नीचे बहुत लगा था रुई सेंट नोरे के साथ में, चौथा हो गया था टॉप वेट में, और इस बार लोअर वेट जा रहा है बिल्कुल ही, 50.5 किलो में अपसेट कर सकता है घोड़ा यार, और पिक लेके चलूंगा दोस्तों 5 नंबर इट्स माई टाइम अक्षय कुमार, और 4 नंबर डेक्सा सी एस जोधा। अगर मैं वैसे कहूँ तो यार कार्ड इतना कोई इम्प्रेसिव है नहीं पुणे के हिसाब से, बट नो डाउट पुणे के घोड़े और थोड़ा सा हल्ला पुणे का ज़्यादा रहता है, और एक्साइटमेंट पंटरों की ज़्यादा रहती है, तो इस वजह से टॉप हॉर्सेज ऑन फील्ड भी मेरे को पिक करने पड़ रहे हैं, अदरवाइज नहीं तो कार्ड कुछ इतना दिख नहीं रहा है रेस के हिसाब से। यहाँ पे 6ठी रेस 1200 मीटर क्लास 4 के, 1 नंबर 2 नंबर दोनों ही मिस्टर जाधव जी के, एमके जाधव जी के, दोनों घोड़े पोटेंशियल वाले हैं, 2 नंबर क्लास डाउन कर रहे हैं, और 1 नंबर 1400 भगाया था घोड़े को, चौथा हो गया था, और वहाँ पे जो घोड़े लग रहे थे वो सारे गायब हो गए थे यार, और डीएन नायक से एनएस परमार बैठा दिया, ये अच्छा है, और उम्मीद करते हैं घोड़ा बेटर परफॉर्म करे। 3 नंबर सिमसिम कमांडमेंट पी सिंधे के नीचे घोड़ा बिल्कुल बनता है यार, और 6 नंबर डेमेटेरियस
इंटेंस बिलीफ, ट्रेवर ने 2 बार जिता रखा है घोड़े को, रिदम ऑफ नेचर यही है वो जिसने सारी रेस अपसेट कर दी थी उसे, और रिदम ऑफ नेचर मुस्तकिम आलम में इंक्वायरी ओपन हुई है 1400 में, होनी भी बनती है यार। और इस बार 200 मीटर शॉर्ट जाना है, 10 नंबर टेसेंट सरप्राइज कर सकता है, 12 नंबर स्प्रिट बे लोअर वेट में घोड़ा जा रहा है यार, 58.5 से 50, 3.5 किलो का अलाउंस, मतलब सिर्फ जॉकी का वेट जा रहा है घोड़े के ऊपर, और घोड़ा परफॉर्म भी कर रहा था मुंबई में, तो ये घोड़ा भी यार यहाँ पे सब अपसेट या सरप्राइज लोअर वेट में कह सकते हैं आप, पिक लेके चलूंगा मैं। दोनों ही एमके जादव जी के बढ़िया घोड़े लग रहे हैं मुझे, और उम्मीद करते हैं दोनों में से कोई ना कोई तो खटखटाए दरवाजा। 1 नंबर जेट फायर NS परमार और 2 नंबर प्योर PP धीबे। आ जाते हैं दोस्तों आखिरी रेस में, लास्ट 7वीं रेस 1400 मीटर क्लास 5 की है। 1 नंबर एल्पाइन स्टार, घोड़ा यार क्लास 3 तक भगा दिया था और फ्रंट रनर है, लोअर वेट में भगा भगा के घोड़ा क्लास 3 तक चला गया, अब क्लास 5 भगा रहे हैं घोड़े को, 2.5 किलो का अलाउंस है, फ्रंट रनर है, 1400 में बिल्कुल बनता है घोड़ा, डॉक मार्टिन हरिदास गोरे के नीचे लग रहा है, हरिदास गोरे अच्छे घोड़ों पर बैठा है, पहले दिन तो कुछ दिखा नहीं बट यहाँ पे अलाउंस के बेनिफिट के साथ में कुछ अच्छे घोड़ों पे बैठा है, देखते हैं कैसा रन देता है। 3 नंबर मैग्नानिमियस भवानी के नीचे ये घोड़ा यार अपसेट कर सकता है। 4 नंबर गोल्डिवा अभी भागा है घोड़ा यार, सीजन के पहले दिन में अमीरा के साथ में, और गुड थर्ड लगा है, विप लॉस हुई है और क्लास 4 से क्लास 5 कर रहे हैं, टॉप वेट जा रहे हैं, कोई बात नहीं घोड़ा जीतना चाहिए, और 60 किलो में ऑलरेडी जीता हुआ एक बारी 1600 संदेश के नीचे, और उसके बाद इसका एहॉक कप सेट देख सकते हैं आप, प्लेस बहुत लगा था, 9 नंबर स्वीट इमोशन क्लास अच्छी देखी हुई है घोड़े ने यार NS परमार के नीचे, और 10 नंबर द फ्लोटेस्ट ये भी अपसेट, 11 नंबर 12 नंबर तबरीज ट्रैक ठीक जा रहा है यार इस घोड़े का, और इसमें जो पिक लेके चलूंगा दोस्तों 4 नंबर गोल्डीवा पी ट्रैवल और 1 नंबर एल्पाइन स्टार मुस्तकिम आलम, और बुक के हिसाब से यार एल्पाइन स्टार 1 नंबर यहाँ पे डे बेस्ट भी दे रहे हैं, तो विजर ऑफ कर रहे हैं घोड़े के और उम्मीद करते हैं कि क्लास 3 जैसा मैंने बताया क्लास 3 से क्लास 5 जा रहा है घोड़ा, और उम्मीद करते हैं कि घोड़ा एक बेटर रन दे यहाँ पे और जीते, और पुणे का कार्ड फिर दोबारा रिपीट कर देता हूँ, कोई खास इंप्रेसिव लग नहीं रहा है, बेंगलोर इससे बेटर चल रही है, और कल परसों फिर इसके बाद मिलते हैं बेंगलोर में, ठीक है दोस्तों, पुणे के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, और एंजॉय करें, जरूरी नहीं है सारी रेसे ही आप विन प्लेस के चक्कर में पड़े रहें, कुछ जो आपको पसंद हो वही रेस विन प्लेस करें, अदरवाइज छोड़ें बैठें एंजॉय करें, ठीक है दोस्तों, बाय, टेक केयर मेरे भाइयों, बाय यार, बाय बाय बाय।